एसडीएम ज्योति मौर्या को लेकर आलोक मौर्या का एक और बड़ा खुलासा। बेवफा के साथ ही एक नंबर की नटवरलाल निकली एसडीएम ज्योति मौर्या। मार्कशीट में जालसाजी कर हासिल की थी पहली सरकारी नौकरी। पति आलोक मौर्या ने बेसिक शिक्षा परिषद को लिखे पत्र में लगाया आरोप। इन दिनों पति आलोक मौर्या से कथित बेवफाई मामले में बरेली की एसडीएम ज्योति मौर्या की कहानी सुर्खियों में छाई हुई है। मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक ज्योति मौर्या का नाम ही ट्रेंड कर रहा है। तो इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्या और आलोक के विवाद में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं अब नया खुलासा हुआ है कि एसडीएम ज्योति मौर्या ने शिक्षा विभाग में अपनी पहली नौकरी फर्जी तरीके से हासिल की थी। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को लिखे अपने पत्र में आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्योति मौर्या ने 2011 में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती में फर्जी मार्कशीट तैयार करके लगाई थी। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती फार्म में पासिंग डेट जून 27, 2011 लिखा हुआ है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जारी ज्योति की बीएड 2011 की मार्कशीट पर पासिंग डेट 25 जून 2012 लिखा हुआ है। प्रार्थना पत्र में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मांग की गई है कि ज्योति की बीएड की अंक पत्र की जांच करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आलोक मौर्य के प्रार्थना पत्र पर अभी तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं इस मामले पर अभी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई है। इस खबर में इतना ही। वैसे पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य खबरों के लिए विजिट करें thepublicexpress.com।